हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जलगांव की बेस्ट जिम आज की सेकंड एनिवर्सरी के अवसर पर 1 ईयर मेंबरशिप के साथ पर्सनल ट्रेनिंग फ्री। एप जिम कांदे सेंट्रल मॉल जलगांव। प्राकृतिक आपदाओं से आज इंसान त्राही त्राही कर रहा है, कहीं भुखमरी तो कहीं बाढ़ का सामना हो रहा है और इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए कहीं न कहीं इंसान स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज धड़ल्ले से कंक्रीट के जंगल बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपया पर्यावरण को बचाने, पेड़ लगाने में खर्च कर रही है, लेकिन इन सब में सिर्फ आबादी को ठगा ही जा रहा है। लालच के पुजारी बेधड़क पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। ये वीडियो और जानकारी हमें नैनीताल के हल्द्वानी से हमारे ही किसी दर्शक ने पर्यावरण प्रेमी की ओर से भेजा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह विकास के नाम पर हरे भरे पेड़ों की हत्या की जा रही है। सड़क पर पड़े इन कटे हुए पेड़ों को देखकर प्रकृति भी रो रही होगी, क्योंकि इंसान नकली सुंदरता और साधनों को बढ़ाने के चक्कर में खुद का ही विनाश करता जा रहा है। बताया जाता है कि इन पेड़ों की कटाई सड़क निर्माण के लिए की जा रही है, किंतु सवाल ये है कि क्या इनकी कटाई के लिए संबंधित विभागों से मंजूरी ली गई है? क्या नियमानुसार एक पेड़ के बदले कई पेड़ पहले लगाए गए हैं? अगर नहीं तो इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार है और नैनीताल जैसी जगह पर इस तरह के अपराध के लिए जिम्मेदारों को सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी मांग भी पर्यावरण प्रेमी कर रहे हैं, ताकि इस तरह हरे भरे पेड़ों को विकास के नाम पर बर्बाद होने से रोका जा सके। हल्द्वानी से ब्यूरो न्यूज इंडिया। अब तक वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।